हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एसएससी सोशल साइंस के बारे में बता रहा था पूर्व में, और मैंने आपको उस दिन बताया था संयुक्त साले 12 वर्ष ऐसे स्टार्ट होता है जब से हमारे यहाँ गुलाम की स्थापना हुई और सप्ताह सप्ताह क्लास के एकदम बात करते हैं संयुक्त साले 12 में। मैं आपको बता रहा था कि बहुत से विदेशी आकांक्षाओं में हमारे भारत का आक्रमण किया, लेकिन इनको हमें बखूबी संघ का सामना किया और विफल किया। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करी है, अकबरुद्दीन आया, सुखुद्दीन आया, महमूद गजनवी आया, मुहम्मद गोरी आया। महमूद गजनवी के बारे में पहले बता चुका हूँ कि धन लुटेरा था, जबकि मोहम्मद गोरी जो था वो नाम का प्रचारक धन लुटेरा भी था, वो प्रचारक भी था, और उसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। जैसे वो भारत से गया अपने पीछे अपने गुलाम लोगों को लेकर दिल्ली सल्तनत, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसमें पहला ग्राम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी द्वारा जब उसको दिल्ली सल्तनत में बैठाया गया तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इस्लामिक साम्राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत सारा उसने योगदान दिया। तुर्कों की उसने क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया और अपने उसने देश को दिल जीत लिया और कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए वो अवस्थ याद किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने गुलाम वंश से शासन किया। गुलाम वंश की स्थापना तो मोहम्मद गोरी ने की थी भारत में। पहला गुलाम वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में पहला गुलाम बनाया गया और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख पक्ष के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रथम मंदिर का निर्माण कार्य करवाया, लेकिन विधि की विडंबना ऐसी थी कि वो जमानत को पूरी नहीं करवा सके और बीच में ही चौहान को घेरते हुए लाहौर में उसकी क्या हो जाती है घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। इस तरह से वो इमारत जो है अधूरी रह जाती है और पूरी नहीं हो पाती। अब बात आपके साथ इमारत का क्या हुआ तो मैं बता करना चाहता हूँ। जैसे 1210 में लाहौर में चौहान को खेलते उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद इकतीस सिंहासन पर बैठता है 1210 से 1236 दस में आया सिंहासन पर 36 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इकतीस को अपन कह सकते हैं कि इकतीस जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उत्तराधिकारी भी माना जाता है। इसने क्या किया था उसके निर्माण में पूर्ण योगदान दिया और उसको संपूर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो कौन था? इकबुत मिश्र। इसको अपन इकबुत मिश्र को गुलाम वंश का वास्तविक संगठनकर्ता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि संगठन को मजबूती प्रदान करने में यदि किसी शख्सियत का योगदान रहा है वो है कौन? इकबुत मिश्र। इकबुत मिश्र ने इसको पूरी कराया और ये इमारत है जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण हुआ किस किस प्रति हुआ था? बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार का किस प्रति जो है कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। साथ ही साथ एक प्रश्न है इसके बाद निर्माण कार्य के बाद में रणथंभौर किला जीता, साथ ही साथ मालवा पर आक्रमण किया और बिरला के दुर्ग को जीता। बिरला को तिरुपति जीतने के बाद में बहुत सारे किलों को विजय श्री हासिल की और अपने जो सिंह सरकार थे गौरी के जो गौरी का जो वर्चस्व था उसकी हिंदी इसमें मजबूत करने का कार्य किया। ऐबक द्वारा बहुत से कार्य किए गए जिनके लिए इसको याद किया जाता है, साथ ही साथ अधूरे कार्यों को पूरा कराने में भी इसको याद किया जाता है। और इसने ऐसे अनेक कार्य किए थे जिसने जिसके लिए इसको इतिहास में काफी संगठित तरीके से याद किया जाता है। 1236 में जो है इसकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जब हम बात करते हैं अगली जो आती है वो आता है दतिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक था। कौन थी ये? पहली मुस्लिम शासक। मुसलमानों को तो अमीर को ये पसंद नहीं था कि मुस्लिम शासक बने, क्योंकि तो पहली मुस्लिम शासक थी और ये वहां के ऊपर रहा करती थी, टोपी पहनती थी, कुर्ता पहनती थी और पूरी तरीके से मानव मनुष्य की तरह जीवन यापन करती थी। घोड़े पर बैठना और बिना पर्दा आना, बेपर्दा आना, पर्दा पता करते हैं क्या किया था, जो तुर्क अमीरों को पसंद नहीं था। रियल मतलब का कोई कारण आपको बताते हैं आपको 1236 से लेकर के 1240 तक का, 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। यह राजनीतिक विरोध की हत्या के बाद सुल्तान बने थे। तो सुल्तान की स्थिति की बात होती है रुकनुद्दीन फिरोज की। रुकनुद्दीन फिरोज की मृत्यु के बाद शासिका बनी और भारत की प्रथम महिला शासिका मुस्लिम शासिका मानी जाए रजिया सुल्तान। यदि किसने अपनी बेटी को उत्तर कर चुना, जैसा कि आप सबको बताया जाना चाहता हूँ कि रजिया सुल्तान जो है यदि किसकी पुत्री थी और अपनी मृत्यु के बाद उसने इसको गद्दी पर ये इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर आगे बढ़ा सकते हैं। अयोग्य हो गए, फिर जो है अगला जो है आएगा
आपको बताएंगे हम बल्बन, जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगा।